नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एक बार मैं अपने सहयोगी काशिफ अली के साथ आपके सामने मौजूद हूं अखबारों की सुर्खियों को लेकर। लेकिन सबसे पहले आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी आज सारे अखबारों के फ्रंट पेज की ओर। आपको बता दूं दर्शकों कि कल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की रैली थी और बीजेपी की रैली थी। राहुल गांधी जहां वहां जनता को लुभाने के लिए पहुंचे थे, बड़े बड़े वादे करने के लिए पहुंचे थे, साथ ही विरोधी पार्टियों को निशाने पर लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी एक भी खबर किसी भी अखबार ने नहीं छापी है फ्रंट पेज पर। आप देख सकते हैं एनबीटी में ज्वेलर्स का करोड़ों का गोल्ड साफ पैराडाइज मामले को अहम तवज्जो दी गई है। वहीं बेनामी संपत्ति का मामला भी लिया गया है, तो आप दैनिक भास्कर में भी पैराडाइज मामले को उठाया है। हिंदुस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं पैराडाइज सामने ही आया है, वहाँ पे पैराडाइज पेपर, हजारों रिटर्न, बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा। जनसत्ता की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी। अगर अंग्रेजी अखबारों की बात करूँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया को भी देख लीजिए, कहीं पर भी रैली का कोई असर नहीं है, मीडिया से गायब हैं। और आपको इसी बीच ये भी जानकारी दे दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जब हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों कांगड़ा में रैली की थी, उसको भी किसी अखबार ने फ्रंट पेज पर नहीं छापा था, ना ही उसकी कोई खबर नजर आई थी। क्या लगता है आपको काशी जी, मीडिया का क्या रुख हो रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि जिस तरीके से हिमाचल चुनाव और गुजरात में गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरीके से चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम प्रिंट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कल अमित शाह की बड़ी रैली थी। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है, काशी जी ने कहा है कि बिल्कुल सही बात बताई कि कल किसी चैनल ने भी इस चीज को कवर नहीं किया। रैली इतनी अहम रैली है, आगामी दिनों में 3-4 दिनों में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन किसी चैनल ने कवर नहीं किया। यहाँ तक कि अखबारों की जो सुर्खियां हैं वो कहीं से भी ये चीज बयान नहीं कर रही है, सब सिर्फ पैराडाइज को लेकर उन्होंने छापा है। कहीं भी पीएम मोदी नहीं, कहीं पर राहुल गांधी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीडिया का रुख भी अब बदल रहा है। जाहिर सी बात है, अब लोग क्योंकि सोच बदल रही है, अब मीडिया वो दिखाना चाह रहा है जो लोग देखना चाह रहे हैं। अब पीएम मोदी और राहुल गांधी से लोग हट के बात सुनना चाहते हैं। जिस तरीके से ये पैराडाइज मामला आया है, जिस तरीके से लोगों ने 714 भारतीयों का जिसमें नाम आया है, जिसमें बाहर लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था टैक्स चोरी करने के, बात करूंगी काशी जी, लेकिन अभी बात अगर करूं तो जैसे कि अभी इसी साल शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव हुए, पूरा मीडिया का जो मामला लगा हुआ था, चैनल से लेकर पूरा हर नेता की बायोग्राफी से लेकर बहुत स्पेशल शोज, बहुत डिबेट हो रही थी, लेकिन कल इस पर कुछ भी नजर नहीं आया। क्या कल आश्चर्य हो रहा था कि कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इसको जगह नहीं दी है, और आज हम सुबह में देख रहे हैं किसी प्रिंट मीडिया ने, किसी बड़े अखबार ने मोदी की रैली को, अमित शाह की रैली को, यहां तक कि राहुल गांधी रैली तक को किसी को कवर नहीं कराया। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात करते हैं। आपने पैराडाइज मामले की बात की तो आपको दिखाना बताना चाहूंगी दर्शकों, दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर खबर छापी है कि पैराडाइज पनामा पेपर्स लीक होने के 18 महीने बाद पैराडाइज पेपर्स नाम से एक और बड़ा वित्तीय डेटा सामने आया है, और इसमें उन फर्मों और ऑफशोर कंपनियों की जानकारी है जो दुनिया भर में अमीरों का पैसा विदेश भेजने में सहायता करती हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडियंस के जो नाम है वो कम से कम 714 लोगों के नाम शामिल हैं, और नाम जिनके हैं वो कोई छोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती हैं। अमिताभ बच्चन, मान्यता दत्त, यहाँ तक कि यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा का नाम भी शामिल है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है आने वाले दिनों में, जिस तरह से चुनाव के अहम पहले पैराडाइज मामला लीक हुआ है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, नीरा राडिया भी उसमें एक बहुत बड़ा नाम शामिल है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 714 लोगों के नाम ये आए हैं, इस पे कांग्रेस विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टी इस पर काफी हल्ला भी बोल रही है, बहुत बड़ा मामला मिल गया कि इस पर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए बीजेपी को। और कहां वो बीजेपी, एक साल पहले पीएम मोदी कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और काला धन बंद कर दूंगा, भ्रष्टाचार बंद कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन जिस तरीके से ये नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं मोदी, पीएम मोदी के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल है, सवाल या निशान वाकई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो इस नारे के साथ देश की सत्ता पर काबिज हुए थे कि भ्रष्टाचार नहीं होगा हमारी सरकार में, हम एक आम जनता को उसकी सरोकार की एक सरकार देंगे जो उसके मुसीबतों की मुश्किलों से जुड़ी समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन जिस तरह से इसमें मामला सामने आया है, क्या लगता है कार्रवाई करने की बात की, कमेटी की बात कही है? दर्शकों आपको बताना चाहूँगी इसमें कि इसमें एक वो कमेटी बनाई गई है जाँच को लेकर, और कहा गया है कि
बिल्कुल, मतलब कि जो जिनके नाम सामने आने पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा तो पनामा पेपर्स लीक के मामले में भी हुआ था, क्या हुआ? देखिए कुछ भी नजर नहीं आया। जो सेबी इसको जांच करने का आदेश दिया गया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी जांच करेगी, लेकिन इसमें हमें देखना है कि भारत सरकार का इसमें रुख क्या होगा, क्योंकि हमें आपको थोड़ा सा इसमें पीछे ले जाना चाहूंगा कि पनामा पेपर्स में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ऊपर पनामा पेपर्स के ऊपर ही कार्रवाई हुई थी, उनको अपना प्रधानमंत्री पद तक छोड़ना पड़ गया था, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था कि आपने पैसे का गलत दुरुपयोग किया है, लेकिन कहीं ना कहीं 714 भारतीयों का नाम अब दोबारा पैराडाइज पेपर्स में आना और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। पनामा पेपर्स में भी बहुत से लोग का नाम शामिल, बिल्कुल अमिताभ बच्चन उसमें नाम शामिल, बड़े बड़े लोग का नाम जैसे इसमें शामिल है, वैसे उसमें क्या कार्रवाई, कोई कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें, यही इसमें सवाल उठ रहा है। नहीं तो क्या पनामा पैराडाइज मामला भी पनामा पेपर्स बनकर रह जाएगा? बिल्कुल हो सकता है कि भारत सरकार जिस तरीके से लोगों को, इसमें विजय माल्या का भी नाम है, तो कहीं ना कहीं विजय माल्या वो तो देश छोड़कर हजारों करोड़ों रुपया लेकर भाग गए हैं, उसमें भारत सरकार घड़ी के धड़ी हाथ बिल्कुल सामने रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे भारत सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है, भारत सरकार पे सवाल उठ रहा है, तो क्या करना चाहिए? अगर कार्रवाई की जाती तो क्या लगता है आपको, क्या एक्शन हो सकता है? बिल्कुल देखिए कार्रवाई अगर इसमें, अगर कार्रवाई तो इसमें बनती है इसमें, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि किसी के छोटे रिपोर्ट है, ये पूरा 100 करीब मीडिया हाउसेस है पूरे वर्ल्ड के, ICJ करके जो इन्होंने पूरा उन्होंने रिपोर्ट पेश करी, उन्होंने बताया दस्तावेज इन्होंने लीक करे हैं, बताया कि जिस तरीके से देखिए ऐसे लोगों का नाम पैसा इन्होंने लगा रखा था, तो अगर कार्रवाई बनती है तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। अमिताभ बच्चन काशी जी एक और सामने आई है, हंसने वाली बात है तो हंसना लाजमी भी है, आरोपों पर जब भाजपा सांसद से पूछा गया इस बारे में पैराडाइज मामले पे, तो उनका कहना था मेरा मौन व्रत है, तो वहीं मंत्री जयंत सिन्हा ने बोला है जो कहना था कह चुके, क्या लगता है? मतलब जिस तरह से एक लचर रवैया सामने, एक सवाल पूछा उन्होंने बोल दिया मेरा मौन व्रत है, क्या मौन व्रत था या फिर बीजेपी ने नकेल कस रखी थी कुछ बोलना ही नहीं? मौन व्रत तो देश में खैर नहीं कह सकते, मौन व्रत तो क्या है ये असल में, इसको कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी आप जनता का पैसा खा जाओ फिर उसके बाद जब सवाल आपसे पूछा जाए तो आप कह दो मेरा मौन विरत है जी। यानी तो कहीं ना कहीं जयंत सिन्हा के पक्ष की अगर बात करूं तो उन्होंने कहा है कि लेन देन का संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष खुलासा किया गया था और लेन देन किए गए थे लेकिन व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए, और केंद्र में मंत्री बनते ही मैंने कंपनी छोड़ दी थी। ये कौन सा पक्ष था, आपने कंपनी छोड़ी थी, आप इसमें भागीदार है या नहीं, इस पे बिल्कुल ये बहुत सही बात है, आप भागीदार है या नहीं, आप क्यों डिप्लोमेटिक एक आंसर दे रहे हैं कि आप पहले कंपनी छोड़ चुके थे, आपने खाया था, आपने टैक्स बचाने के लिए पैसा आपने वहाँ पर इन्वेस्ट करा था, वहाँ निवेश करा था, आपने खाना खाया लेकिन मैंने खाना खाने से पहले वहाँ पे वो थाली छोड़ दी, ये कहीं औचित्य नहीं बनता इस बात का। और जिस तरह से मोदी सरकार में जयंत सिन्हा का नाम सामने आया, ये वही जयंत सिन्हा है जिन्होंने अपने पिता यशवंत सिन्हा के खिलाफ हल्ला बोल दिया था, जिन्होंने GST और नोटबंदी आर्थिक मामलों पे कहा था कि देश आर्थिक मजबूती से तरफ बढ़ रहा है, पूरी टैक्स के मामले में अब फंस गए हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी न्यूज की, तो बात करूंगी नोटबंदी। कल 8 नवंबर है और 1 साल होने वाला है नोटबंदी को। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक घोषणा कर दी थी कि 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं, जिससे पूरे देश में ही हलचल मच गई थी, सब कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुए, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का सबब बनाता ये फैसला। अब एक बहुत बड़ी खबर ये है कि बेनामी संपत्ति से जंग का रोड मैप कल, इसमें लिखा है कि इस बारे में लेवल जो विचार विमर्श का दौर चल रहा है, सूत्रों की अगर माने तो नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बेनामी संपत्ति को अगला टारगेट बनाया है। काशिप जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक तगड़ा झटका दे सकते हैं देशवासियों को, आपको क्या लगता है यही हो सकता है वो? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी झटका देने में सक्षम है, वो झटका बहुत अच्छे से दे सकते हैं, वो जैसे नोटबंदी को हम कह सकते हैं, चाहे वो GST हो, तो अब बेनामी संपत्ति पे अगर कल कोई रोड मैप तैयार कर रहे हैं, पहले से चर्चा है गरम थी काशिप जी की, बहुत दिनों से धूल चल रहा था, कांग्रेस भी उसको लेकर बैठी थी, फिर मोदी सरकार आई तो उसपे पता था कि हाँ GST लागू हो, लेकिन नोटबंदी ऐसा बड़ा फैसला था, उसने हर इंसान कहीं ना कहीं वो सक्षम है अपना बड़ा हर इंसान को, यहाँ तक कि चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अमीर तबका, हर किसी को कहीं ना कहीं झटका दिया था तगड़ा वाला, हालांकि गरीब और मिडिल क्लास को ज्यादा नुकसान हुआ था कंपैरिजन देन अमीर लोगों के। लेकिन आज अरुण जेटली 3:30 बजे नोटबंदी के फायदे गिनाएंगे, वो बताएंगे कि नोटबंदी के फायदे हुए, लेकिन वो फायदे देखना ये होगा कि 218 लोगों की जो मौत हुई थी नोटबंदी के वक्त, वो कहीं वो फायदे ज्यादा हैं या फिर 218
और अगर बात करूँ, हाँ सही कहा इन्होंने, अगर इन्होंने बात की है नोटबंदी के दौरान हुए हादसों की, तो आपको बता दूँ कि इस दौरान बहुत सी ऐसी खबरें सामने आई थी जो बहुत ही दर्दनाक थी। ऐसी खबरें भी थी कि रैली वहाँ लाइन में लगते लगते पैसा खत्म हो जाता था, लोग गुस्सा होकर प्रदर्शन करते थे, महिलाओं को बहुत जूझना पड़ा था, बच्चों को जूझना, लड़कियों की शादियां थी उनके, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हुआ है। और कल मेरी एक महिला से बात हुई, उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने फैसला जब ऐलान किया उन्हें पहले बताना चाहिए था, क्योंकि उनके बेटे की शादी होने वाली थी और ऐलान से उनके बेटे की शादी टूट गई। बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं आम जनता के लिए मुश्किलों का सबब बन गया था। बिल्कुल, अब तीसरी खबर की बात करूंगी जो जनसत्ता ने छापी है, ईवीएम पर गुजरात कांग्रेस की अर्जी, आयोग को नोटिस। ईवीएम गुजरात असेंबली इलेक्शन से पहले वीवीपैट, जो एक ये है आपको दिखाना चाहूंगी कि ईवीएम और वीवीपैट सील की जाए, ऐसा कांग्रेस ने मांग की है। और अब चुनाव आयोग को तलब किया है गुजरात हाईकोर्ट ने। जिस तरह से बवाल मच रहा है मशीन को लेकर, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन से ठीक पहले जिस तरह से ये हो रहा है पूरा, जब बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले से ही नकेल लगा रखी है, तो फिर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये सवाल जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तब से उसके बाद से जब मायावती, बसपा प्रमुख मायावती ने ये सवाल उठाया था कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, फिर उसके बाद अखिलेश यादव की ने भी इस बात को कहा था, कहीं खबर दिल्ली तक आ गई तो केजरीवाल भी उसमें समर्थन, तो फिर उसके बाद अब ये गुजरात में 3,350 जो वीवीपैट मशीनें जो खराब निकली हैं उस पे कांग्रेस उसको लेकर गुजरात हाईकोर्ट गई कि कहीं ना कहीं, और फिर इसमें हार्दिक पटेल ने भी कहा कि गड़बड़ हो सकती है, सामने आया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, नकेल लगा रखी है, तो फिर इसका प्रयोग करने का औचित्य क्या है? हालांकि चुनाव आयुक्त ने इस पर पक्ष यह रखा था कि इस शुरुआत में 3-4 बार फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने ऐसे बोल दिया था, तो पता नहीं, कहीं ना कहीं विपक्ष मान रहा है कि इसमें गड़बड़ कर रही है भाजपा सरकार। और आपको बताना चाहूंगी कि इसमें 13 नवंबर नोटिस जारी किया गया है, साथ ही 13 नवंबर तक नोटिस का जवाब देने को भी कहा गया है। अब फिलहाल देखना होगा कि 13 नवंबर तक चुनाव आयोग क्या जवाब देता है गुजरात हाई कोर्ट को। तो दर्शकों, आज के हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।